विद्यार्थी मित्रों, आज हम दसवीं की सातवीं रचना महिला आश्रम यह पत्र देखने वाले हैं। प्रस्तुत पत्र काका कालेकर जी ने अपनी मुंह बोली बहन सरोज को कुछ जानकारी दी है, नियमों के बारे में बताया है। प्रस्तुत पत्र में समाज में जो तिरस्कृत महिलाएं हैं, बेसहारा औरतें हैं, जो वृद्ध है, ऐसे औरतों के लिए जो आश्रम चलाए जाते हैं उसकी जानकारी अपनी मुंह बोली बहन सरोज को देते हैं। आश्रम की नियमावली या नियम इस प्रकार होंगे, आश्रम सबको अपना घर लगे। आश्रम का विज्ञापन कभी किसी अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम चलाने के लिए किसी प्रकार का चंदा नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई दानी व्यक्ति चंदा देता है, पैसे देता है, तो उसका चंदा या पैसे स्वीकार किए जाएंगे। आश्रम में जो भी महिला प्रवेशित होगी उसे अपने स्वयं खाने पीने की और कपड़े लत्ते की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी महिला को आश्रम में प्रवेश करते वक्त पूर्ण परिचय दिए बिना उसका दाखिला नहीं होगा। आश्रम में रहने वाली सभी औरतों को अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। आश्रम में रहकर सभी औरतों को सभी धर्म मान्य होंगे, अर्थात किसी को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आश्रम में सबको स्वावलंबन सिखाया जाएगा। और आखिर में आखिरी नियम आश्रम का होगा, आश्रम में सादगी भरा वातावरण होगा। रहन सहन सादगी भरा हो, ये सारी अपेक्षाएं वे इस पत्र लेखन के द्वारा अपनी बहन सरोज को इस पत्र के द्वारा वे अपनी जानकारी देते हैं।